हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि 0 रुपीस इन्वेस्ट करके यानी बिना किसी रिस्क के हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोगों ने पहले भी कहीं बार बिजनेस खोलने का सोचा होगा और शायद स्टार्ट भी किया होगा, और अगर वो बिजनेस फेल हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बिजनेस मॉडल ही इस तरीके के होते हैं जिसमें काफी रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने के बावजूद इस तरह के बहुत कम बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं। और आप में से कई लोग जो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो जाता है तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, और ये मैक्सिमम केसेस में सच भी है, क्योंकि हम में से हर कोई अमीर परिवार से नहीं है जो 5-6 बार भी गलतियां कर देगा तो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमको बचपन से सिखाया गया है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, और इन लोगों की वजह से हम में से कई लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते और सोचते ही रह जाते हैं। पर आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है, और हम बिजनेस 0 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमारा गोल है 2 टाइप के बिजनेस प्लेटफॉर्म को समझना, और मोर इम्पोर्टेंटली ये देखना कि किस केस में हम बिना कोई रिस्क के 0 इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे किस तरीके से स्केल किया जा सकता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जिससे आप कल से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास 2 टाइप के बिजनेस प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहला बिजनेस प्लेटफॉर्म आता है प्रोडक्ट फोकस। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म कहता है कि हम कस्टमर देंगे, आप प्रोडक्ट लाओ और उसे सस्ते में बेचो। फॉर एग्जाम्पल Amazon, यानी हम अपना प्रोडक्ट Amazon पर लेके आएंगे और फिर हम उसे Amazon पे बेच सकते हैं। अब इस बिजनेस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही फायदा है कि आपका प्रोडक्ट देखने के लिए काफी कस्टमर अवेलेबल होंगे, और अगर सिर्फ अगर उन्हें ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो उसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के काफी ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि ये 0 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो भी अपने ही रिस्क पर, और अगर आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पाए तो वो सारा लॉस आपका ही होगा। हाँ, अगर हमारी खुद की शॉप है तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म में हमारा सामान नहीं बिक पाता तो भी हम अपनी शॉप में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि आपका कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाता। सब प्रोडक्ट ये सोच के खरीदते हैं कि वो Amazon से खरीद रहे हैं, ना कि आपसे। इसीलिए Amazon और उनके कस्टमर्स का रिलेशनशिप इम्प्रूव होता रहता है, और हम इस बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे कभी भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। थर्ड ड्रॉबैक है कि हम इसमें प्राइस गेम खेलते हैं, क्योंकि एक ही चीज 10 लोग बेच रहे हैं तो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचेगा उसी के ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे, इसलिए हम प्राइस कम करते रहते हैं और हमारा प्रोडक्ट मार्जिन भी कम होता रहता है। फोर्थ और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर Amazon के रूल्स चेंज होते हैं, यानी उनका एल्गोरिदम चेंज होता है, तो Amazon हमारा प्रोडक्ट सर्चेज में नीचे लेके जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और इसका रीजन यही है कि सारे कस्टमर्स Amazon के हैं, ना कि हमारे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमें प्रोडक्ट की पैकिंग और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, इन सब की भी परवाह करनी पड़ती है। तो अब सवाल आता है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा बिजनेस प्लेटफॉर्म है कस्टमर फोकस। इस टाइप के बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें बोलते हैं कि कस्टमर आप ढूंढो, प्रोडक्ट हम देंगे। इन प्लेटफॉर्म्स के कई फायदे हैं। पहला फायदा है कि हमें इस केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी हमें प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे और सारा रिस्क इस प्लेटफॉर्म का होगा। इस प्लेटफॉर्म का दूसरा फायदा ये है कि हम मार्केट की डिमांड को समझ सकते हैं बिना अपने पैसे इन्वेस्ट किए। मेरे पास ऐसे बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने बिना मार्केट की डिमांड को समझे हुए सिर्फ अपनी पसंद के मुताबिक, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट किसी को चाहिए ही नहीं। इस एग्जांपल को हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में काफी अच्छे तरीके से समझाया है। एक बार एक आदमी काफी देर तक कांटा लगाकर मछली को पकड़ने के लिए एक लेक के किनारे बैठा रहता है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। काफी देर के बाद उसका दोस्त आता है और उसे पूछता है, तूने मछली को पकड़ने के लिए क्या बेट डाली, यानी क्या चारा डाला। इस पर वो आदमी कहता है कि मैंने इसमें टेस्टी स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है कि मछलियों को स्ट्रॉबेरीज पसंद नहीं है, इनको पकड़ने के लिए तो तुझे कीड़े रखने चाहिए थे। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, मगर स्ट्रॉबेरीज तो ज्यादा टेस्टी होती है ना। आई होप आप पॉइंट समझ गए हैं। हमें कस्टमर को वो चीज देनी है जो उन्हें पसंद है, ना कि हमें। आप किसी बूढ़ी औरत जो कि डायबिटीज की मरीज है उसे मसल्स बनाने के लिए वे प्रोटीन नहीं बेच सकते। इसलिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चूज करने हैं जिससे हम मार्केट की डिमांड को समझ सकें बिना अपने पैसे इन्वेस्ट करके या मिनिमम रिस्क लेकर। इस प्लेटफॉर्म का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास कस्टमर का डेटाबेस होता है, यानी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं, और उन कस्टमर के साथ एक पर्सनल रिलेशन
रिलेशनशिप होता है, और मेरे ओपिनियन में बिजनेस में सिर्फ यही एक ट्रू एसेट है। 99% बिजनेस में इसी स्किल को सुप्रीम माना जाता है और सब इसी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एडिडास, नाइकी या IBM जैसी बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए छोटी कंपनीज का इस्तेमाल करती हैं, और जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उस पर लेबलिंग कर देती हैं, यानी अपना लोगो छाप देती हैं। ऑब्वियसली इनके पास क्वालिटी टीम्स भी होती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि ये सारी छोटी कंपनीज अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं। पर फिर भी आई होप आप समझ गए हैं कि सब कंपनीज कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स के। इवन की अगर हम Amazon की बात करें तो उसमें भी Amazon अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है और हम सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं, और प्रोडक्ट ना बिकने का रिस्क भी हम ही ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो खुद अपने को फेमस ना करें बल्कि हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने दें। तो अब सवाल ये आता है कि कस्टमर फोकस टाइप के बिजनेस कौन कौन से हैं। कस्टमर फोकस बिजनेस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मीशो ऐप का। आप में से जो लोग नहीं जानते तो ये एक रीसेलिंग ऐप है जिसके फाउंडर IIT दिल्ली से हैं। बेसिकली इस ऐप में मीशो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, जैसे कि शूज, टी शर्ट, साड़ी, ब्लैंकेट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अब आप ये प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स अपने किसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं। इवन की पर्सनली भी आप ये फोटोग्राफ्स किसी को दिखा सकते हैं बिना मीशो ऐप के बारे में किसी को बताए हुए। ये सिंपल फोटोग्राफ्स हैं और ऐसा लगता है कि ये आपने घर में ही ली हो। उसके बाद अगर किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो हम उसे मीशो ऐप में ऑर्डर कर सकते हैं, जिस पर हमें कमीशन मिलेगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है या फ्रेंड्स आए हुए हैं और वहां पर ट्रेंडी शूज या चप्पल की बात हो रही है, और आप अपने मोबाइल में ट्रेंडी शूज का कैटलॉग मीशो ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आपका कोई जानने वाला है और वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकता है, और फिर आप उन्हें नॉर्मल फोटोज की तरह उस प्रोडक्ट की फोटोज को अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को वो फोटोज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी एक फ्रेंड को शूज पसंद आ जाते हैं और उसका प्राइस मीशो ऐप में 330 रुपए है। अब इस प्रोडक्ट को आपके फ्रेंड के पास डिलीवर करने के लिए मीशो 70 रुपीज चार्ज कर रहा है, यानी मीशो को इसकी टोटल कॉस्ट 400 रुपीज चाहिए। 400 रुपीज के ऊपर आप वो प्रोडक्ट जितने मर्जी का बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आप ये शूज उसे 600 रुपए में दिलवा सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट 600 - 400 यानी 200 रुपए हुआ। इसके बाद सिर्फ आपको मीशो ऐप में जाकर ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, जिसमें आप टोटल कॉस्ट 600 रुपए लिखोगे और एड्रेस अपने फ्रेंड का मेंशन करोगे। अब मीशो आपके प्रोडक्ट्स को आपके फ्रेंड के घर तक पहुंचाएगा और इवन कैश ऑन डिलीवरी भी ले लेगा, और अगर 7 दिन तक आपके फ्रेंड को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो मीशो उसे वापस भी ले लेगा। मीशो आपके बैंक अकाउंट में 10वें दिन आपका प्रॉफिट डिपॉजिट कर देगा, जो कि इस केस में 200 रुपए है। अगर आप हर रोज ऐसे 5 प्रोडक्ट 200 रुपए प्रॉफिट में बेच सकते हैं तो आप 200 × 5 1000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, यानी 30,000 रुपए पर मंथ। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें मीशो का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, ना ही डिलीवरी के टाइम, ना ही किसी फोटोग्राफ पर। इसीलिए आपका कस्टमर आपका ही रहेगा, और अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं और ये जान लेते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तब आप अपने बाकी आइडियाज को एक बड़े स्केल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। एग्जैक्टली। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप लाखों रुपए किसी दुकान में इन्वेस्ट कर देते तब क्या होता, या फिर आप Amazon के लिए प्रोडक्ट खरीद लेते और उसे बेच ना पाते तब क्या होता। इस केस में सारा रिस्क आपका ही होता। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल यही है कि टेस्ट योर मार्केट डिमांड बिफोर यू इन्वेस्ट, यानी मार्केट की डिमांड को पहले समझो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। और मार्केट की डिमांड का पता करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हम औरों के रिस्क पर भी कर सकते हैं, जैसे कि मीशो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने के 2 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। पहला है प्रोडक्ट फोकस, जैसे कि Amazon, जो कहता है कि हम उन्हें प्रोडक्ट्स दें ताकि वो कस्टमर के साथ खुद का रिलेशनशिप बना सके। इस प्लेटफॉर्म में हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और अगर सामान नहीं बिकता है तो सारा रिस्क हमारा होता है। हाँ, जिन लोगों की खुद की शॉप है और जिनके पास पहले से ही सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें इन प्लेटफॉर्म में काफी कम रिस्क है। हमने सेकंड प्लेटफॉर्म देखा था, कस्टमर फोकस। ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि हम उन्हें सेल कर सकें। अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स को चूज करते हैं तो हम अपने कस्टमर के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे, और मेरे ओपिनियन में बिजनेस में यही सिर्फ एक ट्रू एसेट है। इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म देखा था जिसका नाम है मीशो। इस ऐप को यूज करके हम प्रोडक्ट्स किसी को भी दिखा सकते हैं, खुद के अकॉर्डिंग उसका जितना चाहे उतना प्राइस सेट कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट किसी के घर भी पहुंचा सकते हैं।
और इस सब प्रोसेस में कहीं मीशो का नाम नहीं होगा, यानी आपके फ्रेंड्स को ये नहीं पता चलेगा कि किसने उनके घर तक सामान पहुंचाया। ये सब हम मैनेज कर सकते हैं मीशो ऐप से, और इस पूरे प्रोसेस में हमारी इन्वेस्टमेंट 0 रुपीज होगी। अब मैं जानता हूँ कि आपको मीशो के बारे में काफी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि फोटोज कैसे डाउनलोड करें, प्राइस कैसे शेयर करें, पेमेंट मेथड कैसे सिलेक्ट करें, या फिर हमें कैसे पैसे मिलेंगे। तो आप मीशो ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में बहुत सारी हिंदी में वीडियोस भी हैं, जो आपको मीशो ऐप के पूरे प्रोसेस के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझाएंगी। और अभी 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मीशो हर डिलीवरी का सिर्फ 1 रुपए चार्ज करेगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।